फाइनली दोस्तों ये है हमारे भाई टीवी के विनर, ये है संदीप जी और भाई इन्होंने जीता है मोबाइल फोन। फाइनली दोस्तों आखिरकार गोल्ड के विनर आई गए जी, सपोर्टिव राइडर के रूप में हमको चुना है और हमें संजय जी का भी नंबर आ गया और संजय जी ने भी जीता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं भाई आप? तो आप सोच रहे हो कहाँ पार्क में मिश्रा जी घूम रहे हो, तो पार्क में नहीं घूम रहे, वो सामने देखो भाई और जो की मीटिंग चल रही है। जी हाँ, आज है 28 तारीख और 12 बज चुके हैं, हम हो चुके हैं लेट एज यूजुअल, जैसे लेट हो ही जाते हैं। बोर्डो के राइडर भी पहुंच चुके हैं और आई थिंक बोर्डो के अधिकारी भी पहुंच चुके होंगे। चलिए देखते हैं भाई क्या हो रहा है और आज किस किस को गिफ्ट मिलने वाले हैं, क्या क्या मिलने वाले हैं, हमें भी नहीं पता कौन कौन है वो बंदे जिन्होंने भाई इतनी मेहनत करी है बोर्डो में। तो दोस्तों यहाँ पर भाई पूरी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है और लगभग सभी राइडर जो है कंपनी वालों को घेर के खड़े हुए हैं। हम ढूंढ रहे हैं उस राइडर को भाई जिन्होंने मोबाइल फोन जीता है। तो मोबाइल फोन किसने जीता है भाई, कहाँ गए वो मोबाइल फोन वाले? ये रे भाई मोबाइल फोन वाले, इनसे पूछते हैं भाई इन्होंने कितने ऑर्डर पर डे किए थे, बताओ भाई कितने ऑर्डर पर डे किए थे? 17-18 मैक्सिमम 17 तो मैं रोज करता ही था, बाकी 17 प्लस हो जाते थे, टाइम बचता 17 प्लस ही मारता, 17-18-19 इतने ही मारता था भाई। 17-18 ऑर्डर बोर्डो के अंदर भाई हक बनता है फिर तो इनका मोबाइल जीतने का, क्योंकि इतने ऑर्डर हम तो उठा नहीं पाते। कौन से एरिया में काम करते? रोहिणी पीतमपुरा यही मारता था। उसी एरिया के अंदर? हाँ, पास छोटे-छोटे हाँ, 50-60 वाले। अच्छा, एक साथ दो ऑर्डर उठाते थे? एक उठाता था पहले, पिकअप कर लिया, मैं दूसरा देखा मिल गया राउट का तो उठा लिया, देखते देखते निकलते थे और टाइम बचे जितना उतना सही था, दूसरा मिलता तुरंत उठा लेता था। चलो भाई बढ़िया है, तुमने मेहनत करी है और मेहनत का फल तुम्हें आज कंपनी देगी। भाई अब ढूंढते हैं कि एक एलईडी टीवी किसी भाई ने जीता है, तो एलईडी टीवी आपने जीता था ना? हाँ भाई, आप भी बेचारा अपने राज खोलो कि आपने एलईडी टीवी किस तरीके से मेहनत करके जीता है, क्योंकि ये मेहनत करके जीता है भाई आपने। वही टाइमिंग था 10 घंटे काम करना, एक कागज लेके चल रहा था कि 17-18 ऑर्डर करने हैं, एक या दो दिन तो 26 ऑर्डर भी करे हैं मैंने। 26 भी करे हैं। कितने घंटे काम किया था उस दिन? 10-12 घंटे। 10-12 घंटे में 26? बिल्कुल बिल्कुल, काम भी करा, मतलब 2000 का काम करा उसके ऊपर 600 रुपए आए थे, ऐसा कुछ नहीं है कि छोटे छोटे ऑर्डर उठा के पूरा करा है, ऑर्डर सेम उठाया जैसे उठाता है रेगुलर, और अभी भी रेगुलर वही है 17-18 ऑर्डर आज भी कर रहे हो? वही सेम करता हूँ। एरिया कौन सा? नॉर्थ दिल्ली मेरा। उसी एरिया में काम करते हो या बाहर के लंबे रूट? नहीं, मॉडल टाउन, रजौरी, अशोक विहार, शालीमार बाग। तो इतने एरिया के अंदर काम करके 2000 रुपया काम कर लेते हो आप ये छोटे छोटे ऑर्डर अप्रोक्स? हाँ। तो जो राइडर बोलते हैं मोटे ऑर्डर बोर्ड जो में नहीं मिलते हैं, हमारी कमाई नहीं हो पा रही, इसका मतलब तो सर मैं तो नॉर्थ दिल्ली से भी यहाँ भी आया हूँ तो 300 का काम करके आया हूँ, दो ऑर्डर उठा के। मैं तो ऐसे नहीं आया, मैं तो काम करके आया हूँ और घर से निकला था 10:30 बजे और 12:30 हुए हैं अप्रोक्स, तो 1.5 घंटे का रास्ता था वहाँ से, तो 2 घंटे में 300 कमा लिए, क्या दिक्कत है? तो आप बोर्डो से काम, बोर्डो के साथ काम करके सेटिस्फाई है अभी तक? तो भाई अब देखते हैं कि अभी बाकी कौन कौन से राइडर बचे हैं जिनको माइक्रोवेव मिलना है, किसी को हेडफोन मिलना है और किसी को गोल्ड का सिक्का भी मिलना है। अभी वो वाले राइडर नहीं पहुंचे हैं यहाँ पर जिनको गोल्ड के सिक्के मिलने हैं, माइक्रोवेव मिलने हैं और हेडफोन मिलना है। जैसे ही वो आएंगे भाई उनका इंटरव्यू भी लेंगे और उनसे भी पूछेंगे वो किस एरिया में काम करते हैं और किस तरीके के ऑर्डर उठा के बोर्डो में कमाई कर रहे हैं और साथ में इनाम भी जीत रहे हैं। फाइनली दोस्तों ये है हमारे भाई टीवी के विनर और इन्होंने टीवी जीता है बोर्डो की तरफ से। कुछ सवाल इनसे करेंगे बाद में, हालांकि हम पहले कुछ सवाल कर चुके हैं, लेकिन भाई इनको बधाई हो भाई, तालियां वालियां होनी चाहिए भाई, इन्होंने मेहनत करी है, तालियां बजती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, भाई ने मेहनत करके टीवी जीता है बोर्डो से। ये है संदीप जी और भाई इन्होंने जीता है मोबाइल फोन 1+ का, तो मुबारक हो संदीप जी, तालियां हो जाए भाई संदीप जी के लिए भी, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। फाइनली दोस्तों आखिरकार गोल्ड के विनर आई गए जी, हाँ इनको मिला है 2 ग्राम का सिक्का, तकरीबन अगर रेट की बात करें तो भाई 17-18 हज़ार रुपए की कमाई इन्होंने कर ली है बोर्डो से मेहनत करके। जी हाँ, इन्होंने बहुत ऑर्डर मारे हैं और आज इन्होंने जीता है गोल्ड का सिक्का, तालियां हो जाए भाई इनके लिए, इन्होंने खूब मेहनत करी है। तो भाई हमने भी जीता है माइक्रोवेव, बोर्डो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हमने और बोर्डो को बहुत सपोर्ट करते भी रहेंगे, इसलिए कंपनी ने भाई सपोर्टिव राइडर के रूप में हमको चुना है और हमें दिया है माइक्रोवेव, तालियां तो हो जाए यार हमारे लिए भी। वजन भी है भाई इसमें, तो माल बढ़िया वाला दिया है बोर्डो ने, ज़्यादा दूर नहीं उठा पाएंगे।
तो फाइनली दोस्तों संजय जी का भी नंबर आ गया और संजय जी ने भी जीता है भाई। क्या जीता है भाई ये? ओहो एयरबड जीते हैं इन्होंने भाई। इन्होंने भी खूब मेहनत करी है बोर्ड जो के अंदर और ओहो ताली वन ईयर गारंटी के साथ है। जैसे बोर्जो की गारंटी ऐसे ही बोर्जो के प्रोडक्ट की गारंटी। हमारे साथ आज खड़े हैं हमारे बोर्जो के दिवाली इंसेंटिव के तीन टॉप विनर दिल्ली से। इन्होंने काफी मेहनत किया है, काफी लगन के साथ दिवाली में बहुत अच्छा काम किया और इसकी वजह से ये हमारे पूरे दिल्ली NCR के टॉप 3 विनर्स में से शामिल हुए हैं। सो हमारे साथ हैं नीरज जी, संदीप जी एंड अखिल जी। सो हम जानना चाहेंगे इनसे भी इनके टारगेट्स इन्होंने कैसे बनाए अपना दिवाली के टाइम पे, कैसा क्या इनका प्लानिंग था इन टॉप में आने के लिए। सो शुरुआत करते हैं नीरज जी। सो आपने क्या जीता है आज? मैंने एक LED TV लिया है 43 इंचेस। वाओ MI का, बढ़िया है। सो क्या किया आपने इसके लिए, कितना मेहनत किया, कुछ शॉर्ट में बताएंगे? अगर अचीव करना था, सोच के बैठा था कि 17-18 ऑर्डर्स रोज करने हैं, बट एक या दो दिन 26 ऑर्डर्स भी मैंने करे, तो टारगेट अचीव हुआ मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बोर्जो का सपोर्ट कैसा रहा इस दौरान टारगेट अचीव करने में या अच्छा, बाकी सारे? अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ऑर्डर्स कैसे आ रहे थे आपको बैक टू बैक? अच्छे थे, चैट रेस भी करी, उसमें भी टाइमली आंसर्स थे, कस्टमर्स से सारी चीजें। चलिए बहुत काफी अच्छा रहा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत बढ़िया। तो एक चीज बताइए फिर, आप टीवी का यूज कैसा करेंगे अब आप, चूंकि अब आप जीत चुके हैं टीवी, तो कुछ सोचा है? कुछ नहीं, बच्चों के रूम में लगा दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, आई होप आपके साथ साथ बच्चे भी एंजॉय करेंगे। थैंक यू। तो संदीप जी आपने क्या जीता है? सर मैंने ये मोबाइल फोन, 5G मोबाइल फोन, वाओ OnePlus। तो कैसा रहा आपका अनुभव बोर्जो के साथ ओवरऑल, और दिवाली के लिए स्पेशली क्या आपने प्लान किया था? सर यही पता था, मैं पहले से ऑफर क्या चलाया कंपनी ने, तो एक टारगेट था मेरा भी कि मिनिमम ऑर्डर और मैक्सिमम इतने करने हैं ऑर्डर, तो जो मेरे को इंसेंटिव वो भी मिलेगा, और इसके बारे में तो मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, नहीं तो फिर सही से काम करते और अच्छा करते। हाँ, और अच्छा करते। चलिए कोई नहीं, आगे से हम सजेस्ट करेंगे कि हमारे बोर्जो के और बाकी रिलेटेड जितने भी चैनल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं उन सब से कनेक्टेड रहें, तो आपको काफ़ी अपडेट्स मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है, अभी और भी कुछ ऑफर्स आने वाले, बहुत फेस्टिवल्स आएंगे। सो आप मोबाइल फोन, मतलब कैसा रहा आपका अनुभव मोबाइल फोन मिलने के बाद, कितना? बहुत खुश हूँ सर, मेरे को ये गिफ्ट मिला है बोर्जो की तरफ से, और मैं बोर्जो को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि ऐसे ऑफर चलाते रहे। राइडर का भी वो इंटरेस्ट जगता है काम करने में कि हाँ अगर हम मेहनत कर रहे तो हमें कंपनी कुछ दे रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम जरूर आगे भी लेके आएंगे, बहुत सारी चीजें लेके आएंगे। थैंक यू। हमारे साथ अखिल जी भी हैं, इन्होंने जीता है, हमारे टॉप विनर हैं, जिन्होंने 2 ग्राम का सोना का सिक्का जीता है। हाँ जी। सो अखिल जी बताइए कैसा रहा अनुभव आपका बोर्जो के साथ? पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ, बट बोर्जो में लास्ट 2 ईयर से काम कर रहा हूँ, और हाँ ये मेरे लाइफ का पहला है नाम हाँ जिसने जीता है। वाओ, थैंक यू वेरी मच बोर्जो, बहुत 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 मुबारक हो। और बोर्जो का मेरा टारगेट यही था कि मुझे सुबह 10 बजे निकलना है, और कम से कम मेरा टारगेट था 20 ऑर्डर करने का, बट टाइम की वजह से कस्टमर डिले करते थोड़ा बहुत हो जाता है, तो 17-18 मेरा टारगेट है, 17-18 कम से कम करना ही है। एक दिन मैंने 25 भी करा, एक दिन मैं डिसअपॉइंट हुआ जिस दिन बोर्जो का सर्वर डाउन था, लेकिन उस दिन भी मैंने 17 कर दिया, रात के मुझे 11 बज गए थे, लेकिन मेरा टारगेट था 17 करना ही है। 2 दिन नहीं कर पाया, एक दिन दिवाली था और एक दिन आपका संडे था, संडे को वैसे काम कम बहुत ही कम करता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा जब भी मौका मिलेगा मैं अचीव करूंगा सारे टारगेट बोर्ड। और सपोर्ट कैसा रहता है आपको, मतलब इस दौरान दिवाली के? जब से व्हाट्सएप लॉगिन हुआ है फीचर, तब से बहुत बढ़िया सपोर्ट है बोर्ड का। ग्राउंड टीम में हमारे पास राजू हैं, जुबेर हैं, इंस्टेंट मिल जाता है, बहुत सेंट्रल सपोर्ट है, सब सपोर्टिव रहते हैं, हम चैट रेस करते हैं, इंस्टेंट मिल जाता है हमें सपोर्ट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बट अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा जल्दी होता है, होता पहले भी था बट पहले डिले था, बट अब क्विकली होता है। नहीं नहीं, हम लोग काफी आप लोग के ही फीडबैक से आगे हम लोग चीजें इंप्रूव करना चाहते हैं और आगे भी करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप कंटिन्यू चलना चाहिए, बहुत बढ़िया, जरूर जरूर ये कंटिन्यू रहेगा। रिसेंटली व्हाट्सएप का चैनल पैन इंडिया सभी बोर्जो कुरियर्स के लिए भी लॉन्च किया है, आप उससे जुड़े हैं? हाँ, मैं उसको जुड़ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, हम भी वीडियो में के लिंक में डाल देंगे चैनल का लिंक, सो सभी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी सेम नए नए अपडेट्स, जो जैसा संदीप जी बता रहे थे कि टॉप वाला चीजें पता नहीं था, नहीं तो उसके लिए भी टारगेट कर सकते थे, तो हम पक्का वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया करेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अखिल जी, थैंक यू संदीप जी, थैंक यू नीरज जी। तो दोस्तों फंक्शन लगभग लगभग पूरा हो चुका है, और बाकी जितने भी राइडर आए थे भाई, सबकी आइडिया को दिखा के उनको बोर्जो की टी शर्ट भी दी जा रही है यहाँ पर।
नमस्ते सर, क्या हाल? अरे यहाँ चलान नहीं कटेगा आपका, हेलमेट उतार सकते हो आप। अरे इतने सुंदर बंदे हो यार, अपना चेहरा छुपा रखा था हेलमेट में। तुम्हारे तो कपड़े, ओहो तुम्हें भी मिल गई टी शर्ट। वेरी गुड है, वेरी गुड है भाई। अब ये जांच रहे हैं क्योंकि टीवी बहुत बड़ा है, 43 इंच है। हाँ, 43 इंच गूगल टीवी है भाई, स्मार्ट टीवी है, और अकेले इनसे जाया नहीं जाएगा, तो इसलिए भाई हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। जी की वीडियो देख के मेरी आईडी ब्लॉक हो गई थी और मैं इनकी वीडियो देख के आया यहाँ और मेरी आईडी चालू हो गई। चलो भाई, ओके ओके, बाय बाय। और रही बात दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि बोर्जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है उन सबको शायद कुछ टाइम बाद बंद कर देगी। साथ हुआ है और उन्होंने बोला कि ऐसा है कि इन पार्सलों का डिलीव करना पड़ेगा और साथ में हमें 4-5 और आपको ऑफलाइन देने पड़ेंगे, ये भी लेके जाने पड़ेंगे। अगर हम उसको एग्री नहीं होते तो वो कहते हैं हम आपकी कंप्लेंट करेंगे।